पेपर के बारे में, पेपर बेचा जा रहा है, बताया जा रहा है। ये चार पांच नाम हैं, इसको ढूंढ के पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाया है, डिजर्व करते थे, लेकिन और भी बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया था, नंबर भी लाया लेकिन रैंक नहीं आ रहा। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है, मैं 30 मार्च का एक वीडियो देख रहा हूँ जहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर नीट का पेपर ब्लेसिंग प्रिंटिंग हाउस में प्रेस प्रिंट के लिए गया तो पेपर लीक होगा। विशाल चौरसिया ने बीपीएससी का पेपर लीक किया था, वो पकड़ा भी गया है और वो जेल में रहते हुए भी उसके लिंक का वो प्रिंटिंग हाउस है वहां पे पेपर गया तो नीट का पेपर लीक होगा। और एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो भी किसी एक्यूज्ड है किसी पेपर लीक का, विशाल चौरसिया का नाम आ रहा है, राजमोहन, विजेंदर, अजीत चौहान, ये चार पांच नाम हैं, इसको ढूंढ के पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए और इस पर पूछताछ होनी चाहिए। एक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर पेपर के बारे में पेपर बेचा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये जो तीन चार नाम है इसको तुरंत से तुरंत अरेस्ट करना चाहिए एनटीओ को, अगर आपके गलत एग्जीक्यूशन की वजह से चीजें हो रहा है। जहां पे पहले से ही एलिगेशन है शायद प्रिंटिंग का, वहां पे प्रिंटिंग होने का क्या लॉजिक है, तो देखते क्या होता है। एनटीओ को, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पर।